हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो ये देखिए मैं आपको कहाँ ले आई हूँ, और आज हम बनाएंगे मलाई का घी। तो मलाई से मैं मक्खन किस प्रकार से निकालती हूँ वो मैं आज आपको बताऊँगी। और मैं देखिए मलाई को फ्रिज में ना रख के इस मटकी में रखती हूँ, क्योंकि ठंडी का मौसम है और इसमें रखी हुई जो मलाई होती है ना वो बहुत ही अच्छा घी देती है। तो मैं इसी में रखती हूँ सर्दी गर्मी सभी मौसम में। तो ये देखिए जब भी फूल भर जाती है तो मैं इस प्रकार इसको बना लेती हूँ। तो ये मैंने निकाल लिया है जो मलाई इकट्ठा किया था उसको। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए पूरा जो है मलाई मैंने निकाल लिया है पतीले में। अब हम इसको थोड़ी देर चला करके रख देंगे 1-2 घंटे के लिए, इसके बाद में बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने 1-2 घंटे के लिए इसको गर्म होने के लिए रख दिया था, क्योंकि ज़्यादा ठंडी है तो ठंडा मौसम है तो ज़्यादा ठंडी होती है मलाई, तो हल्की गर्म हो जाएगी। इसके बाद में अब हम इसका घी निकालेंगे। तो ये बहुत ही जल्दी निकल जाता है, कई लोग इसको निकालने में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन मैं आज आपको ऐसा तरीका बताऊँगी कि बहुत ही जल्दी ये जो है निकल जाएगा। सबसे पहले तो आप इसको निकाल करके 1-2 घंटे के लिए रख दें, फ्रिज में हो या फिर मटकी में हो, जैसे भी आप लोग बनाते हो निकाल करके मलाई को रख दें पहले। तो मैंने वही निकाल करके रख दिया है। अब देखिएगा कितनी जल्दी मक्खन जो है ऊपर आ जाएगा, थोड़ा सा हाथ चलाने में ही, मिक्सर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मिक्सर में तो बहुत सारी झंझट हो जाती है, जार धोना पड़ता है ये और वो। इसमें देखिए आप पतीले में ही बहुत जल्दी निकल आएगा। देखिए मैं चला करके आपको बताती हूँ। ये देखिए थोड़ी ही देर चलाने पर हमारा मक्खन जो है ऊपर आने लगा है। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए दरदरा सा ये मक्खन ही है, ये प्योर मक्खन है दूध का। तो ये बिल्कुल चिकना और बहुत ही अच्छा होता है टेस्टी खाने में। और देखिए मैं धीरे धीरे करके इसको इकट्ठा करने लगी हूँ कुछ इस तरीके से। इसको बनाने में 10 से 15 मिनट बस लगता है, 10 मिनट लगभग मान लीजिए आप, इतनी देर बस इसमें लगती है। और बहुत ही जल्दी ये निकल के आ जाता है, चाहे सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का। कई लोग इसको निकालने में बहुत ज़्यादा होते हैं परेशान, तो परेशान मत होइए और देखिए मेरा वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। और ये देखिए गोला बनना जो है स्टार्ट हो गया है। तो देखिए इसी तरीके से आराम आराम से हम जब इसको गोला बनाते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं मक्खन को, तो क्या होता है कि ये धीरे धीरे करके मतलब ये गोला जो है कड़क होने लगता है और हाथ में उठ जाएगा। देखिए मैं बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ बना करके। बस हम इसमें पानी डालेंगे। देखिए मैंने 1 गिलास पानी लिया है, और पानी आपको पहले ऐड नहीं करना है, जब ये गोला बनने लगे तब ऐड करना है, ताकि जो बचा हुआ मक्खन है वो ठंडा होकर ऊपर आ जाए और हम इसमें जो है मिलाते जाएँ उसको। तो पानी हमको ज़्यादा ऐड नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा ऐड कर लेते हैं तो उसका टेम्परेचर एक बार बिगड़ गया तो फिर बनने वाला नहीं है, इसीलिए इसको बहुत आराम से बनाते हैं। और ये वीडियो आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मेरी तो 1 लाइक तो बनता ही है, और लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को। और ये देखिए मैंने आज आपको ताज़ा ताज़ा मक्खन खिला दिया। तो ये देखिए बन रहा है हमारा मक्खन। दूध की चीज़ जब भी हम बनाते हैं ना तो रियली में बहुत अच्छा लगता है, और घर की चीज़ों से कुछ इस तरीके की चीज़ें बनाती हैं ना तो तब घर की गृहिणी को एक बहुत ज़्यादा सुकून का महसूस होता है। मतलब कि हम देखिए मलाई इकट्ठा करते हैं, इसके बाद में जो है घी निकालते हैं उससे, और ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे तो। किस किस को इस प्रकार का काम अच्छा लगता है कमेंट करके बताइएगा, और ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि मुझे भी ये काम ऐसे काम करना अच्छा लगता है। तो ये देखिए धीरे धीरे करके आपसे बातचीत करते करते इकट्ठा हो गया, और थोड़ा सा पानी मैं और इसमें डाल लूँगी ताकि जो मक्खन है हमारा और ऊपर आ जाए।
क्योंकि हमें इसको बेस्ट नहीं करना है। बहुत दिन में हम लोग इकट्ठा करते हैं इसको और फिर इसके बाद में इसको फेंकना अच्छी बात नहीं है। तो देखिए दूध दही को तो वैसे भी बहुत कद्र के साथ रखा जाता है और इसीलिए देखिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हम घर का बना हुआ, आज के ज़माने में मिलावट वाले घी से अच्छा है कि घर का बना हुआ घी यूज़ करें। तो ये देखिए दूध का दूध पी लेते हैं और मक्खन भी निकल जाता है और मक्खन भी खा लेते हैं बच्चे और इसके बाद घी भी निकाल लेते हैं, तो इससे अच्छी बात घर के लिए और क्या हो सकती है। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार हिलाने के बाद में ये हो गया है हमारा लड्डू बन करके तैयार। तो देखिए कढ़ाई लेकर के आ गई है रिंकू, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ दोनों हाथों से। इसको हाथ में लेकर के हल्का हल्का भी दबाना है ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल आए। तो ये देखिए मैं कुछ इस तरीके से इसको, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना ये रियली में देखने में मक्खन, और भगवान कृष्ण को ये बहुत ज़्यादा पसंद था, इसी को खाते थे वो। अब इस तरीके से हम इसको हल्का हल्का दबाएंगे तो ये जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। तो ये देखिए मेरे को रियली में खुद को देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, किस किस को ये पसंद आया ज़रूर कमेंट कीजिएगा और एक लाइक कीजिएगा। तो ये देखिए हमारा लड्डू जो है बन करके हो गया है तैयार और मक्खन बिल्कुल हमारा है तैयार। तो आप भी बनाइएगा इस तरीके से इकट्ठा करके, अगर आप नहीं निकाल पाती हैं तो इस प्रोसेस के साथ निकालिएगा, पक्का निकलेगा और बहुत ही अच्छा मक्खन निकलेगा। ये देखिए मक्खन को मैं कढ़ाई में डाल लेती हूँ और हाथ अपना जो है मक्खन जो लगा हुआ है हाथ में वो भी साफ़ कर लेती हूँ। तो चलिए आपको ऊपर करके दिखाते हैं कि किस तरीके से, ये देखिए मेरे हाथ गंदे हो गए थे तो मैंने रिंकू को बोला कि आप ऊपर करके दिखाओ कैमरे के पास में कि ये किस तरीके से दिख रहा है। देखिए कितना प्यारा एकदम बहुत ही अच्छा मक्खन बना हुआ है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस तरीके से बनाइएगा, ये बिना मिलावट वाला घर का बना हुआ मक्खन है, इससे अब हम घी तैयार करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज आपको आवाज़ नहीं आएगी अच्छे से क्योंकि हमारे बगल में जो है मंदिर पे भागवत बैठी हुई है, तो फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको बहुत अच्छे से बोल पाऊँ बहुत तेज़ तेज़ ताकि आप लोगों को आवाज़ आ जाए। तो देखिए मैंने आपको घी जो है निकालना बता दिया है मलाई से, तो मैं इसमें जमाती हूँ देखिए मटकी में। ये देखिए ये बहुत ही अच्छा तरीका है जिनके घर में फ्रिज नहीं है उनके लिए, तो घी को इसमें मतलब मलाई को इसमें निकाल लेते हैं और जब भी ये फुल भर जाए तो इसका मतलब जो है मक्खन निकाल करके फिर घी बना लेते हैं। तो वही प्रोसेस आज मैंने आपको बताया है। तो देखिए कढ़ाई में मैंने निकाल लिया है और अब हम इसको गर्म करेंगे, तो प्योर घी है जो हमारा देसी घी निकल करके आ जाएगा। ये गाय के दूध की मलाई है तो गाय का घी हमारा निकलेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं और थोड़ी बात और करती तो भागवत बैठी हुई है तो आवाज़ तो आने वाली है नहीं है, तो आप लोग होइएगा मत परेशान, बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और अभी के लिए मैं जाती हूँ घी बनाने के लिए, तो चलिए। तो ये देखिए अब हम आ गए हैं गैस के पास और अब हमने जो मक्खन निकाला है उसको रख देते हैं गैस पर और फुल फ्लेम पर ही इसको हमको गर्म करना है। तो देखिए बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है और इतना अच्छा घी निकलता है ना इससे कि बहुत ही अच्छा। तो इसको कुछ चलाते हुए इस तरीके से हम जो है गरम कर लेंगे और बस थोड़ी देर में देखिएगा अभी पूरा पिघल जाएगा। और देखिए पिघलने लगा है हमारा जो मक्खन था वो पिघलने लगा है, अब इससे निकलेगा घी। और दूध देखिए कितनी अच्छी चीज़ है कि मतलब दूध देखिए सबसे पहले लाते हैं हम, गरम करते हैं तो पीने के लिए हमारा इकट्ठा हो जाता है, उससे मलाई जो निकलती है फिर मलाई से हम मक्खन भी बना सकते हैं और दूध का दही भी बना सकते हैं और दही से फिर मठा भी बना सकते हैं, लस्सी भी बना सकते हैं। तो देखिए भगवान ने कितनी अच्छी चीज़ बनाई है कि एक चीज़ में इतने गुण हैं, तो इस गुणकारी चीज़ का ज़रूर यूज़ करें आप और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है, अपने बच्चों को और अपने बुज़ुर्गों को और सब लोगों को इस तरीके का जो है बना करके खिलाएं घी। और ये बहुत ही अच्छा होता है घी क्योंकि मार्केट का जो हम घी खरीद के लाते हैं वो मिलावटी होता है। तो ये देखिए मैंने ताज़ा ताज़ा घी जो है निकाल लिया है और ये देखिए हल्का हल्का गर्म होने में ही जो है मतलब घी दिखने लगा है हमें। तो ऐसे चलाते जाएंगे हम, चलाते हुए जब निकालेंगे तो इसमें से घी अपने आप दिखने लगेगा। और अगर आप इसको थोड़े दिन तक स्टोर करके रखना चाहती हैं तो थोड़ा हल्का सा गर्म करें इसको, ज़्यादा गर्म करें ताकि थोड़ा सा हल्का सा रेडपन सा इसमें आए और ये वाइट वाला घी जो है नहीं रखें क्योंकि इसमें खट्टा स्वाद आता है और ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। तो इसलिए थोड़ा सा आप तड़के वाला इसको गर्म कर लें ताकि ये काफ़ी दिनों तक आपकी स्टोर रहे आपके पास डब्बे में। और ये देखिए ताज़ा घी बिल्कुल प्योर जो है निकल करके है तैयार।
और इसी के साथ आप मेरे वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अभी के लिए बस इतना ही। और आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। तो चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।